किसी का भी अनहित करने की बात जब मैं सोचता हूं तो अपने आप अप्रत्यक्ष रीति से इनडायरेक्टली मैं अपने ही विरोध में कुछ तो भी कर रहा हूं। यह बात लोगों के ध्यान में आनी चाहिए। थोड़ा हमारे महान संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज की बहन मुक्ताबाई के वाक्य का आधार लेकर के बोलना चाहता हूं। एक बार श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने कुछ नाराज होकर के भीतर बैठने की लीला की। वे थोड़े से गुस्से में आ गए या नाराज हो गए, ऐसा मुक्ताबाई को लगा। तो मुक्ताबाई ने, अब ताना कसना तो बहनों का काम ही है, तो मुक्ताबाई ने ताना कसते हुए भीतर बैठे हुए उस महान पुरुष से कहा, आप भी नाराज हो गए? किससे नाराज हो रहे हैं आप? जिस किसी ने आपके लिए जो कुछ भी किया होगा, भैया आपको ध्यान में ये आना चाहिए, वो और आप भिन्न नहीं है। उनका वाक्य यह है, जीवदाता नी चाविली, जीवदाता नी चाविली, कोणे बत्तीसी पाड़ीली, काही तरी करुणा धरा, ताटी उघड़ा ज्ञानेश्वरा, ताटी उघड़ा ज्ञानेश्वरा। अपनी ही जीभ अपने ही दांतों के बीच में आ जाए और उसे वेदना हो जाए तो कोई भी पत्थर लेकर के दांतों को तोड़ता नहीं। क्यों? इन दांतों ने ही आपकी जीभ को वेदना दी है ना। अरे हां, बात तो ठीक है भैया, लेकिन जीभ भी अपनी है और दांत भी अपने ही है। इसी प्रकार का दृष्टिकोण एकात्म मानव दर्शन को जो आत्मसात करता है उसके भीतर जागृत हो जाता है। और इसलिए इस प्रकार के लोग यदि लोगों के द्वारा किसी प्रकार का विरोध भी किया गया और आघात भी किया गया तो भी उनके प्रति क्रोध से नहीं भरते हैं, उनके भीतर जगती है करुणा। और वही करुणा जो करुणा एक दिन यह कह गई, फादर फॉरगिव देम, दे नो नॉट व्हाट दे आर डूइंग, हे पिता उनको क्षमा कर दो, उनको पता नहीं कि वे क्या गलती कर रहे हैं। इस प्रकार की करुणा अंतकरण में अपने आप निर्माण हो जाती है जब सबके भीतर मैं अपने को देखता हूं। और इसलिए यह एकात्म मानव दर्शन एक दिन ऐसा रंग लाएगा कि संपूर्ण विश्व भारत का ऋणी होकर के रहेगा और वह इस एकात्म मानव दर्शन के लिए होकर के रहेगा। हम सब एक है, सबके भीतर एक परमात्मा रमे हुए है और इसलिए हमें कभी भी किसी का विरोध, उसकी हानि करने के लिए नहीं करना चाहिए। कभी कभी एकाध बार कठोर कदम उठाने भी पड़ते हैं। माँ को भी अपने बेटे को कभी सजा करनी पड़ती है, लेकिन सजा करते समय माँ का हाथ जिस करुणा से और जिस ममता से भरा हुआ होता है, उसी प्रकार की करुणा और ममता उस हाथ में होती है जब कोई विरोध इस प्रकार का महामानव करता है। दीनदयाल जी ने वह दर्शन हम लोगों को प्रदान किया। यह एकात्म मानव दर्शन उपनिषद के अद्वैत के ऊपर खड़ा है, एक बात। दूसरी बात, उन्होंने एक अद्भुत बात का विस्तार किया। वास्तव में यह शब्द उनको जो मिला वह एक छोटे से लगने वाले देशिक शास्त्र नाम के पुस्तक से मिला और वह शब्द है चिति। आपको भी इसका पता नहीं होगा, लेकिन वे स्वयं जब उस छोटे से ग्रंथ को, छोटी सी पुस्तक को सर पढ़ने लगे, इट वॉज गॉड्स ग्रेस, अचानक उनको क्लिक हुआ कि इसमें कितना बड़ा सिद्धांत छिपा हुआ है। और चिति शब्द को लेकर के उन्होंने अपना संपूर्ण वांग्मय मानव भर दिया। बात क्या है? बात यह है, अब यह भी भारत का मौलिक दार्शनिक सिद्धांत है, लेकिन पहले उन्होंने क्या कहा यह बतलाता हूं। वे कहते हैं कि हर वस्तु की एक चिति होती है, एक चैतन्य सत्ता होती है, चेतन सत्ता। हमारे भीतर चैतन्य है, हम सब लोगों को पता है, इसीलिए तो हम सब लोग अपना व्यवहार करते हैं, हम अपनी चेतना को जानते हैं। दीनदयाल जी को यह कहना था, जिस प्रकार एक व्यक्ति के भीतर चेतना होती है, व्यक्ति के अवयवों को जोड़ करके व्यक्ति को निर्माण नहीं किया जाता है, एक चेतना के कारण वे अवयव अपने आप विकसित होते जाते हैं और बढ़ते जाते हैं। अवयव प्रधान नहीं होते हैं, वो चेतना प्रधान होती है। उसी प्रकार हर राष्ट्र की भी एक चेतना होती है और
इसलिए भारतवर्ष की भी एक चेतना है, और यह चेतना, यह चिति स्वयं यह भारतवर्ष की आत्मा है, और इसलिए भारत का विकास या उस चिति के अनुरूप जब हम व्यवहार करेंगे उसी से होगा। हर वस्तु का, हर वस्तु की जो चिति होती है, जो चेतन सत्ता होती है, जो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, उसके अनुरूप होने वाला विकास ही उसका सही विकास होता है। इस भारत की भी एक चेतना है, इस भारत की भी एक चिति है, और इसलिए भारत का विकास उस चिति को ध्यान में रख करके ही किया जाना चाहिए। उस चिति के विपरीत चल करके हम भारत का विकास नहीं कर सकते। अब यह जो चिति की संकल्पना है, यह भी मूलतः हमारे भारतीय दर्शन शास्त्र का विषय है। हम लोग सर्वत्र चैतन्य को देखते हैं। हम जब सूर्य की आराधना करते हैं, सादी बात, सूर्य की आराधना, सूर्य को नमस्कार आदि जब हम करते हैं, तब उस हेलियम के गोले को नहीं करते हैं। इस पृथ्वी को जब हम प्रणाम करते हैं, तब इस मिट्टी को प्रणाम नहीं करते हैं। हमारी संस्कृति ने ये कहा, हमारे वेदों ने ये कहा कि सर्वत्र चैतन्य विराजमान है। वह चैतन्य उस हेलियम से लगने वाले गोले में, उस तेजोमय गोलक में भी है। इसीलिए हम उसके भीतर नारायण को देख करके प्रणाम करते हैं, उसके भीतर के चैतन्य का हम अनुभव करते हैं, हम भावना से वहां पर उस चैतन्य को देखते हैं। उसके मंत्र बोलने का समय नहीं मुझे अभी यहां पर, लेकिन ध्येय सदा सवितृ मंडल मध्यवर्ती नारायणः, वहां पर नारायण को देखते हैं, भूमि को प्रणाम करते हैं, समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, हम पृथ्वी को प्रणाम, उसमें चेतना को देखते हैं, हम गंगा जी में चेतना को देखते हैं। सर्वत्र चेतना को देखना यह मूल भारतीय विचार है, और इसी जिस प्रकार यह चेतना व्यक्तिगत होती है, उसी प्रकार एक कॉस्मिक कॉन्शियसनेस भी होता है। और यह भारत का कॉस्मिक कॉन्शियसनेस क्या है, इसको ध्यान में लेकर के ही भारत का विकास किया जा सकता है। यह बिल्कुल नया विचार उन्होंने राजनीति में लाया, राजनीति को अधिष्ठान के रूप में दिया।